नहीं कौन आ रहा है? मैं अभी इसको कह रहा हूँ हमारा शेरा आ रहा है। शेरा कहाँ पे? शेरा आ रहा है। वो देखो गिर रहा है तो गिरते हुए आ रहा है। वो और हम आ रहा है अभी गिर। चलो जी पहले बहन भाइयों, अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे फर्श की ढलान जो है ना वो किस तरफ है। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह हो चुकी है। रात को हम यहाँ पे आए थे, कुछ रोड़ी हमने रात को कूटी थी और कुछ रोड़ी जो है ना आप सुबह सुबह कूटने आ गए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, आज मिस्त्री मजदूर नहीं आए। फिर कल की भी उनके काम करने की आगे की रूटीन नहीं थी, फिर हमने सोचा कि चले आज बरामदे के अंदर रोड़ी कूट के ना हम डाल देंगे ना, तो फिर जब हफ्ते वाले दिन वो आएंगे तो वो अपनी रोड़ी का लेवल वगैरह बना के ना इसमें फर्श डाल देंगे। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना, फिर वो हफ्ते वाले दिन आएंगे, फिर वो रोड़ी कूटेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर एतवार वाले दिन हमारा बरामदे का फर्श जो है ना ये वाला डलेगा। तो इसलिए ना हम एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करके ना उनकी बना रहे हैं रूटीन, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि दिहाड़ी पे जो रहता है ना काम, वो फिर आपको पता है कुछ मजदूर मिस्त्री जो है ना वो कुछ आहिस्ता से करते हैं। तो इसलिए ना हमें साथ करना पड़ेगा, हमें साथ चलना पड़ेगा उनके, ताकि वो जो है ना हमारे साथ वो भी लगे रहें। तो इसलिए ना हमने ये रोड़ी जो है इतनी सारी कूट ली है। अबू भी यहाँ साथ है जो है ना, तोड़वा रहे हैं, सीधी करवा रहे हैं सीढ़ी, सॉरी ये रोड़ी। तो अभी समीना भी मेहनत कर रही है, ये पहले ईंटें दे रही थी इधर मुझे, तो मैं यहाँ पे ईंटें जो है ना वो उनको फोड़ रहा था, टुकड़े कर रहा था उसके। फिर अभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो इसने ना उठा लिया कि जो क्रेडिट मिले, क्रेडिट मुझे मिल जाए। क्या मैं क्या मतलब मैं तो साफ जाहिर तो क्रेडिट आप चाहती हो कि जो गोल्ड मेडल मिले वो मुझे मिले ना, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं वीडियो बना लेता हूँ तो आप मेहनत कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। दुआ करें देखना जहां भी खुश हैं आबाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। मैं तो खुशी के मारे भूल ही गया था मैं कहने क्या वाला था। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, समीना जी कैसी हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हेल्प करवा रही हैं जी। ये सारी जो है ना आप देख सकते हैं, ये सारी जो है मैंने सीधी की है, और इसके अबू ने मेरे जो माशाल्लाह से सुसर है। मुझे पता है आपने सारा काम किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बैठा रहा हूँ चारपाई के ऊपर। जो इनाम मिलना है वो मैंने पहले भी कहा कि आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने ना ये रोड़ी कूट के ना मैं थक चुकी हूँ, तो अब इसे उठाते हैं जबरदस्ती। चले आप उठे 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 उठे, फिर तशरीफ रखे इधर, इधर बैठ जाए आप, मेहरबानी आपकी। ये बहुत अच्छी है, बहुत हल्की है, आराम से कूटी जा रही है। ये हल्की है, ये कौन सा मेरे लिए है? फिर मुझे दिखा रही हो ऐसे ऐसे करके दिखा रही हो मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है मदद करो जहां भी हैं, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब जो है मैं अपने अल्फाज जो है वो चेंज करती हूँ, क्योंकि ये इसने मेरे अल्फाज जो है पकड़ लिए, इसे और ढूंढे नहीं है। हाँ चलें जी अभी मुझे ना यह तुम दिखा रही है पतले वाली, कहती है होली है, तो मेरे पास देखो ये 12 है थोड़ा, फिर आओ फिर। हाँ तो मुझे कह रही हो कि ये मेरे पास थोड़ा हल्का हथौड़ा है, तो मेरे पास भी भजनी का थोड़ा है, फिर मैं भी पर ठोकूंगा फिर। मारने का नहीं कहा, मैंने कहा हल्की है और अच्छी। ऐसे ऐसे कह रही हो, ऐसे 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 कह रही हो, मिट्टी आ गई है। हाँ तो आपने क्यों फिर कूटा है? जब आदमी हाय पड़ा फिर औरत को क्या जरूरत है काम करने की? है जब मैं हूं पड़ा, मैं काम कर रहा हूँ, फिर आपको क्या तुक बनती है इधर? उठा लो अपने थोड़े में थोड़े, उठाएगा फिर रखेगा फिर वहां पे बैठ जाएगा थोड़ी सी। जिंदगी में कभी मुझे ये बता दो, जिंदगी में कभी आपने माना हो कि हाँ आज अहमद काम करके आया है? जिंदगी में कभी मुझे बता दो। अगर मैं मानना शुरू कर दूं ना ये काम करते, ये काम करना छोड़ दे जो थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं बहनों, उसमें बात पता क्या होती है? बात ये होती है कि ये अगर मुझे कहे ना कि हाँ अहमद आप अच्छे हो काम कर रहे हो, तो मुझे मेरा जज्बा बढ़ेगा, मेरा दिल करेगा मजीद काम करने का, अच्छे अच्छे काम करने का, मैं फुल मेहनत के साथ काम करूंगा। लेकिन ये मानती ही नहीं है, फिर मेरा दिल कुछ ना खट्टा खट्टा हो जाता है। अच्छा, मैं सोचता हूँ ये मानती तो वैसे भी नहीं है कि काम करता है, जितना भी काम कर लूं ये कहती है नहीं करता काम। अभी आप काम करो फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको शाबाश दूंगी।
कह रहे बिन भाइयों, अभी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ ना, तो वीडियो के दौरान मैं वीडियो वीडियो जब मैं काम करता हूँ ना, काम के दौरान मैं वीडियो नहीं बना सकता ना। अब मैं देखें वो हाथ वाले रेडी में अगर सिलेंट ईंटें धोता हूँ इकट्ठी करके, तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो अगर मैं कोई और वजनी काम करता हूँ, अगर मैं ईंटें उठाता हूँ और ऊपर मिस्त्री को देता हूँ, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो वीडियो जब बनाता है ना बंदा, तब फ्री होके बनाता है वीडियो, तब काम नहीं कर रहा होता। तो आप सब देखते होंगे कि अहमद जो है ना फ्री रहता है, हालांकि मैं जब काम करता हूँ फिर तो आपको पता है ना, वीडियो तो मैं नहीं बना सकता ना। अगर मेरे साथ और बंदा हो फिर तो मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा है मेरा, और भी बंदा वीडियो बना रहा होता है। तो जब मैं काम करता हूँ फिर मैं वीडियो नहीं बनाता, जब मैं फ्री होता हूँ फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, जब फ्री होता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। आप सब सोचते होंगे कि अहमद आलसी है, लेकिन मैं आलसी नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। अब इसका भी यही है कि जब ये मेरी वीडियो देखती है ना, व्लॉग जब कंप्लीट होता है फिर देखती है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, हालांकि मैं तो काम कर रहा होता हूँ ना। जब मैं वीडियो काम के दौरान मैं वीडियो नहीं बनाता, फिर मैं आप कहते हो कि ये काम नहीं कर रहा। आई समझ के नहीं आई? अभी आपको टाइम काफी हो गया है, घर भी जाना है, रो रहा होगा। चलो ठीक है, नहीं मुझे आप ईंटें दे जा रही हो। अहमद ये भी कूट दो, अहमद ये भी कूट दो, मैं क्या क्या कूटूं? ये तो साइड पे कर लो। इतने सारी मैंने ये सारी इधर से कूटी हैं, फिर अभी और दे दिया इसने, ये कहती ये भी कूट लो। मैंने काम जाना है, अभी चलते हैं वापस, फिर शाम को आएंगे मजीद कूट लेंगे रोड़ी। बस एक नुकर आ गई है ना, कुछ यहाँ पे कूट लो, कुछ ये खींच के उधर डाल दो, ये वाली। उधर मिट्टी में मट्टी है, रेडी रोड़ी थोड़ी है वो। फिर आप जल्दी करो, मुझे ईंटे तो जल्दी कूट लेता हूँ। दो दो घंटे के बाद एक ईंट आती है, फिर मैं वो कूट के फिर बैठा रहता हूँ चुप करके, फिर आती है एक ईंट, फिर मैं बैठा रहता हूँ। अब निकाल रही हूँ ना, जल्दी जल्दी फेंको, फिर मैं कूट के फिर चलें। मैंने अभी फ्रेश भी होना है, मैंने अभी जाना है, बहुत ज़रूरी काम जाना है मैंने। चलें जी, अभी मुर्गियों का खुड्डा भी आपने तोड़ दिया है, तो फिर नया बनाएंगे? नहीं। क्यों? पिछली बार ना हमने मुर्गियों का खुटा बनाया था, तो हमने धनिया जो होते हैं ना वो उगाए थे घर में, तो मुर्गियां सारे धनिया वो खा गई थी। हमारे यहाँ ना वो जो नहीं होती पुदीना की तरह को होती है, बबरी जिसको कहते हैं, वो हमने उगाई हुई थी, तो वो भी ना सारी खा गई हैं। तो अब हमें ना हमारा मुर्गियों का शौक उड़ गया है। पहले हमें शौक था मुर्गियों का, और हमें शौक था कि हम ना अंडे खाएंगे जब मुर्गियां अंडे निकालेंगी। हमने उनको पाला, जब वो बड़ी हो गई तब हमने दे दी। हाँ। और अभी रेडी खेंचो, फिर बाहर चलते हैं। उधर उस साइड पे ना हमारी छत वाली जो ईंटें थी ना वो बाहर पड़ी हुई थी, वो लेके आते हैं। चलो आ जाओ, ये ईंटें नहीं टूटेंगी, ये वो दूसरी ये है। नहीं, कुछ है ना, मैं अच्छी उठा के दे रही हूँ। ये यहाँ पे लगानी है हमने ईंटें, दीवारें मुकम्मल करनी है, ये फिर कम हो जाएंगी, ईंटें कम हो जाएंगी फिर हमारी। खेंचो, रेडी खेंचो। आज मैं देखता हूँ ये कैसे रेडी खेंचती है। मुझे दो क्या? क्यों खाली तो लेके आओ, भरी तो मैं लूंगा, मैं खेंच के आऊंगा फिर। चलें जी, रास्ता तो है नहीं इधर से। हाँ, ऊपर से लेके आते हैं। कहाँ से? गरम है ये जगह, गरम है, ठंडी तो है, झूठी। अरे हम उधर ना अम्मी थी उधर उस साइड पे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में था। हाँ चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना अभी लोड कर दो मुझे ट्राली, फिर मैं खींच के खुद जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि भरी हुई ट्राली से खींच नहीं जाएगी, तो भरी हुई तो मैं उठाऊंगा, खींचूंगा, लेकिन ये खाली जो ना ये उठाएगी। और उधर देखो गधी, कोई लगता है कोई बांध के गया है। खड़ा किया हुआ है, देख ले। हाँ, हम एक मिनट खड़े हुए हैं तो ना इतना हमारा सांस फूल गया है, और ये ना अभी इनको बांध के रखा होगा गंदम को, गंदम में। हाँ तो अभी ना दाने निकलवाएंगे मशीन के जरिए ना। हाँ, क्योंकि अभी ना बारिश वगैरह का सीजन है ना, तो इसलिए ना जल्दी से जल्दी कर रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी नबेड़ लें और फिर दाने वगैरह अपने सेव कर लें। इसलिए ना तकरीबन वहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना वो गंदम की जो बारें होती हैं वो इकट्ठी हुई हुई थी, अब वो सारी उठ गई हैं।
मतलब उन्होंने पिसवा के ना उसको दाने वगैरह आपने सेव कर लिए और तूड़ी वगैरह आपने सेव कर ली है। और यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने यहाँ तक जो है ना इसकी वो की थी तराई, तो उस कमरे को हमने पहले से प्लस्तर किया हुआ था ना, तो उसको छोड़ के इधर देखें ये सेम हो गई है पूरी दीवार पे। कितनी गंदी लग रही है बाहर से ना, अंदर से साफ सफाई है। तो फिर क्या होगा, ऐसे ही होता है, पानी लगाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। हाँ देखिए, अभी यहाँ से गंदी लग रही है, तो अभी इसको ना जब मैं सोच रहा हूँ कि जब ना कुछ अर्सा बाद ना इसको टेप करवा लेंगे, जो हल्की होती है ना टेप, एक प्लास्टर होता है ना, एक नॉर्मल सी होती है टेप होती है, वो करवा लेंगे। क्यों, सही है ना? हाँ, क्योंकि अभी देखिए ना इस साइड पे और बैक साइड पे बुरी बुरी लग रही है, जब प्लास्टर हो जाएगी ना, मतलब ये साइडें जो है वो टेप हो जाएंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी फिर वो, है ना? बस काफी है, आप देखो आपने खींचनी है, थोड़ी बहुत डाल दो क्योंकि फिर रास्ता खराब है ना, फिर मुझसे खींची नहीं जाएगी। हाँ चलो जी अभी खींचते हैं इसको। नहीं कौन आ रहा है? मैं अभी इसको कह रहा हूँ हमारा शेरा आ रहा है। शेरा कहाँ से? शेरा आ रहा है वो देखो, वो देखो गिर रहा है तो गिरते हुए आ रहा है वो, और हम आ रहा है अभी गिर गया नीचे। हाँ। ये देखें एक बार गिर गया है फिर उठ के फिर अब चल रहा है, ये शेरा है आपका? थका हुआ देखो अब चला ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ ऐसे ही है सारा दिन चलता है सारा दिन ये अल्लाह करे घर बन जाए फिर इसको ना स्कूल में डालेंगे, मैं कह रही जल्दी जल्दी घर बने उसको स्कूल में डाल दें। हाँ जी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसको ना फिर पढ़ाई पे इसकी तवज्जो, घर में अभी तवज्जो है फिर घर जब बन जाएगा फिर इस पे तवज्जो होगी सारी। हाँ जी, क्योंकि अभी हम खुद भी ना कुछ डिस्टर्ब हैं कि पता नहीं कब बनता है हमारा घर। हाँ जी काफी दिन हो गए ना, तकरीबन एक मंथ होने वाला है। हाँ। बाकी मंथ हो चुका होगा। हाँ। पिछले मंथ की 8-9 तारीख को हमारा काम स्टार्ट हुआ था, तो अभी 8 तारीख है आज, मतलब पूरा एक मंथ हो चुका है आज। हाँ। एक मंथ हो चुका है हमें हमारे काम को। हैं जनाब जी, जनाब साहब आ गए हो? जनाब जनाब जी मैंने कहा आ गए हो? कहते हाँ आ गया हूँ राम से आ, इधर से ना इधर बाहर नहीं होती गन्नों वाली, वो मतलब पिसाई हो रही है उसकी। कहाँ गए थे आप पहले ये बताओ? हाँ थक गए हो ना अब? हाँ मम्मी के घर गए थे। पीछे आ जाओ, गिर जाओगे 3 इंच ऊपर आ जाएंगी। अभी अपना हशर तो देखो, अब थके नहीं हो आप? थक गया है ना, होश ही नहीं है अब इसको, और नहीं तो क्या है? नहा के आए, नहाए और हम बस, मुझे पहले पता था कहाँ पे नहाए हो, नहीं नहाए। तो अभी ना जगह नहीं है, अभी यहाँ पे हमने रख दी है, तो हमारा जो बरामदा है ना उसका, उसके लिए रोड़ी पूरी हो जाएगी, इसलिए ना हमने मजीद और वहाँ से बाहर से नहीं लेके आनी रोड़ी। तो अभी क्योंकि जगह भी ना हमारे घर में कम है, तो इसलिए यहाँ पे अगर रखेंगे तो फिर रास्ता हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए ना अभी इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मज़ीद जो है ना कुछ बाद में उठा लेंगे, जो जो ज़रूरत पड़ेगी ना फिर बाद में उठा लेंगे उसको। तो अभी यहाँ पे ये खड़ी हुई है, तो इसको कहती हैं कि बस वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बस। क्यों? वो क्योंकि जगह नहीं है ना उधर, अब बरामदे की पूरी हो जाएगी रोड़ी, बरामदे की हो जाएगी। हाँ फिर मैं इसको उठा लूँगा बाद में, अब फिर तो कर दूँ बस, थोड़ी सी रह गई है। फिर बाद में ना ये गुजरने की जगह नहीं है वहाँ पे हमें मिलेगी। ये देखो कांटे कैसे लग गए हैं। हाँ तो कांटे हैं ना, मुझे भी लगे हुए हैं जूते में, ये देखें जी, ये जगह ना ये कांटे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये चमेलू के कांटे हैं, चमेलू के ये लग जाते हैं पाँव में। आ जाओ छोड़ दो अब, गर्मी है वैसे वैसे भी। चलो मैं आ रही हूँ। तो जो रात गुजर गई है ना ये रात, और हम इतना जलील कर रहा था ना, मुझे कह रहा था कि अभी ना चलो वहां पे घर चलो, तो इसको ना घर की याद नहीं आती, इसको आती है गाड़ी की याद, है ना रम? गाड़ी की याद आती है ना आपको? अच्छा फर्श चंगा बन गया है? हाँ फर्श चंगा है अब ना, ऊपर पानी है, पानी इसके चंगा बन गया फर्श है, सोने है वे सोना बढ़ गया। तू ना गिर सकना ढह पोसे वाल ढक लग पोसे उठिया चल सारे कपड़े गंदे की टीवी वाला। तो जी अभी माशाल्लाह से हमने जो है ना बरामदे की रोड़ी जो है ना वो सारी मुकम्मल कर दी है,
क्योंकि ये ना है ना, इसको अगर ना हम फिल करते ना तो कल जो है ना मिस्त्री फिर इसको रहने देते, हमारा जो कम बाइंदा इसका फर्श है ना बरामदे का वो परसों जाकर मुकम्मल होता। क्या मतलब? चले जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे फर्श की ढलान जो है ना वो किस तरफ है। अभी आप देख सकते हैं हमारे फर्श का पानी जो है ना वो सीधा बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ। माशाल्लाह से ढलान जो है ना वो काफ़ी अच्छी बनाई है अंकल ने, जो हमारा मिस्त्री साहब है उसने। फर्श जो है ना हमने सारे एक ही मिस्त्री से डलवाए हैं और प्लस्तर जो है हमारा दूसरा मिस्त्री कर रहा है। देखिए अभी सीधा पानी जो है ना वो बाहर की तरफ जा रहा है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा फर्श इन्होंने डाला है। अभी मैं लगा रहा हूँ ऊपर पानी, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाएंगे ना तो फिर हमारा जो प्लास्टर है ना वो मजबूत नहीं रहेगा, पानी की तराई करना लाजमी होता है। तो जी अभी लगा रहे हैं पानी ऊपर। जो क्यों लगा रहे हैं पानी? वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये ना मजबूत हो जाए। हाँ जी, ये समझदारी वाली बात की है आदमी, लेकिन जिंदगी में पहली बार की है वो भी। हाँ। पहले कभी भी समझदारी वाली बात नहीं की, वो भी समझदारी वाली बात आज पता है क्यों की है इसने? क्योंकि मैंने इसको बताया है कि ना इससे मजबूत होगी। वैसे ये मुझसे पूछ रही थी कि पानी क्यों लगा रहे हो, ना लगाओ गिर जाएगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा अबे पागल, इससे मजबूती होती है दीवारों की, प्लास्टर की मजबूती होती है, तब जाके ये मैडम साहबा बन गई है, बता रही है आप सबको कि ऐसे मजबूती होगी, मुझसे सुन के बता रही है। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाई ये देखिए पानी लगा रहे हैं हम, ये इसने तो अपनी ही तारीखें करते जाना है, और हम इधर कूट रहे हैं रोड़ी। हमने कूट ली है, उसके बाद ये मेहनत कर रहा है, पहले ये नहीं आया जब ज़्यादा मेहनत थी। तो हमारे जो अब्बू ने उसने ज़्यादा मेहनत की है अहमद की निस्बत, ये बस अपनी तारीफ ही करता रहेगा। बस ऐसे काम जो हो ना, मतलब जो आसानी से हो जाते हैं, जाहिर है ये अब इसको सारा दिन इस पे खड़ा करो ना ये खड़ा रहेगा। अगर इसको रोड़ी कूटने पर लगा दो ना तब ये कहेगा मेरी टांग में दर्द है, बस में दर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ मी। तो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो मैं आप पे खुद पे फखर करता हूँ, मुझे खुद पे फखर है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, जबरदस्त काम करता हूँ, इतने काम करता हूँ ना शादी नहीं बैठता। अच्छा, हम ना अपने बहन भाइयों को ना प्लेटें दिखाते हैं जो हमने ना यहाँ पे माशाल्लाह से फ्रंट पे लगानी है, तो हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सी प्लेटें जो है हमने लगानी है, जो बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और हमारा घर जो है वो नजरे बद से बचा रहेगा। हमने लगानी है माशाल्लाह की टाइलें। हाँ, वो हमने ना रखी हुई है, तो वो हमारे घर के ना नसीब में थी। कैसे? जब हमने पहले एक कमरा बनाया था ना, तब हमने सोचा था कि बाहर लगवाएंगे पिलर के ऊपर, लेकिन वो मिस्त्री भाई भूल गया था, तो उसने कहा था बाद में अपनी लगेगी, फिर हमने उसको सेव रख दिया था अपने पास। हाँ। तो अब जब हम माशाल्लाह अच्छा बन चुका है, तो अब जो है ना लगाने चाहिए ना। हाँ जी माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना इतनी खुशी हो रही है, अल्लाह पाक हमारे नसीब में करे। जिन बहन भाइयों के घर नहीं है, अल्लाह पाक उनके भी जल्दी जल्दी घर जो है वो बन जाए। तो अभी मैं निकालती हूँ प्लेटें जो मैंने बहुत ही ना संभाल के रखी हुई है, मैंने उनकी इतनी हिफाजत की हुई थी ना, क्योंकि वो पतली सी ईंट से बनी हुई है, तो मैंने कहा ये टूट ना जाए, तो अभी मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जी जो हमने प्लेट मैंने आपको बताया था संभाल के रखी हुई है, ये माशाल्लाह से एक ये है, दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है। ये जब अहमद शॉप पे काम करते थे टैलों वाली शॉप पे, तो तब की इन्होंने ना लेके संभाल के रखी हुई थी कि जब हमारा घर बनेगा तो इंशाल्लाह हम लगवाएंगे। तो वो दिन आ गया है माशाल्लाह से प्लेटें लगाने का, जो कि हमारा घर बन गया है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत शर्त है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कामयाब भी कभी नहीं हो पाएंगे। तो हम भी देखें अभी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी सारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर थोड़ा बहुत, मतलब शुक्र अल्लाह का हमारी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा बन चुका है। तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार कहते रहते हैं, तो हमें खुशी भी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो बन गया है, बल्कि अभी बस थोड़ा बहुत रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह बन ही जाएगा एक ना एक दिन। तो
जो है ना आज के ब्लॉग यहाँ तक एंड करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।